वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद एनटीवी ह्यूस्टन. ब्रेक पे जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन कंटेंट बीइंग डिस्प्लेड. दो हमने देखा है कि जो फॉरेन कंटेंट है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड अवेलेबल है ऑन दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. इनको हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही कहेंगे एक तरीके से. बट वी कैन सी फॉरेन कंटेंट विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द ग्रोइंग इंडस्ट्री एज वेल. चाहे वो नेटफ्लिक्स पे हो, हुलू पे हो, हॉटस्टार पे हो या जिस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हो. बट विद दैट लोग सब्सक्रिप्शन लेके ये वाला कंटेंट देखते हैं. बट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग इन एशियन कंट्रीज व्हाट द प्रॉब्लम इज राइट नाउ कि जो एक्टर्स वहाँ पे रेजिडेंट होते हैं उस जगह के वो और उनका काम कितना इफेक्ट होता है. टू टॉक अबाउट दिस वी हैव अ वेरी स्टनिंग एक्टर एंड अ होस्ट टीवी होस्ट जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम लाहौर राइट नाउ. फातिमा सोहेल इज विद अस. हेलो फातिमा, हाउ आर यू? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं उज़ैर? मैं ठीक, थैंक यू सो मच फातिमा फॉर जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम लाहौर इन दिस स्पेशल ट्रांसमिशन. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. फातिमा, हम जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था हम बात कर रहे थे अबाउट दिस फॉरेन कंटेंट जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हमने देखा कि रीसेंट पास में कुछ जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है अबाउट द परसेंटेज के इतना परसेंट जो है आप फॉरेन कंटेंट शो कर सकते हैं, इतना परसेंट आपको अलाउ नहीं है. बट बिकॉज ऑफ दैट एक्टर्स जो देखा है हमने वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन द फॉरेन कंटेंट अभी का? अच्छा, फॉरेन कंटेंट पे अगर हम बात करने लगे हैं तो पहले तो आप ये देखें ना कि हमारी इंडस्ट्री इतनी सी है और जो हमसाया मुल्क हैं उनकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है. तो कुछ लोगों ने ये भी बात की कि अगर हमारी कंट्री से लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और जब बैन लगता है तो हमें बड़ा दुख होता है. तो पहले तो सबसे पहले वो ये देखें कि अभी तो हम क्रॉल कर रहे हैं और हमारी इतनी सी इंडस्ट्री है. अगर हमारी इंडस्ट्री में यू नो बाहर से फॉरेन एक्टर्स यहाँ पे आएंगे और आके काम करेंगे या हमारी जगह ले लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे जी? और जब आपको वहाँ से फ्री में एक बना बनाया ड्रामा मिल जाता है और आपको सिर्फ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए तो फिर तो उनको मुफ्त में मिल गई ना चीज. अच्छा, एक फातिमा एक और चीज़ जो हमने देखी है कि जब फॉरेन कंटेंट आता है तो जब लोकल कंटेंट प्रोड्यूस होता है या लोकली कंटेंट किसी भी किस्म का प्रोड्यूस होता है तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी लोगों को मिलती हैं, चाहे वो स्पॉट बॉयज़ हों, चाहे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, साउंड डिपार्टमेंट हो, वो बहुत ज़्यादा जो है इससे बेनिफिट होता है एंड सम हाउ और दी अदर वो जो है एक कंट्री की GDP को हेल्प करते हैं ग्रो करने में. तो जब ये वाले कंटेंट आते हैं तो जॉब्स भी इफेक्ट होती हैं, ना सिर्फ एक्टर्स की बल्कि एसोसिएटेड लोगों की. Exactly. Even spot boy, बहुत से लोगों की. वही बात मैं आपको करूंगी उज़ैर, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ ना तो मुझे आकर इस चीज का अंदाजा हुआ है कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है जिसको सामने नहीं लेके आया जा रहा. मुझे लगता है कि हमें उस चीज पे काम करनी चाहिए ना कि बाहर से लोगों को लेके आएंगे. हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जो अब की जनरेशन आ रही है, बहुत टैलेंट है उनके पास. अगर हम लोग उनके ऊपर काम करेंगे तो हमारा कॉन्टेंट अच्छा होगा. तो जिस तरीके से इंडिया का कॉन्टेंट यहाँ पे चलता है, इवन के हमारे यू नो हम साया मुल्क कह सकते हैं, हमारे बहुत सारे इख्तलाफात होने के बावजूद भी उनका कंटेंट यहाँ पे देखा जाता है, सिनेमा में लाखों का बिजनेस हो रहा है. तो अगर हमारा कंटेंट अच्छा होगा, हमारा टैलेंट आगे आएगा तो हमारा कंटेंट भी बाकी मुल्कों में चलेगा और बिजनेस किया जा सकता है. डेफिनेटली हमने देखा कि अगर हम बात करें बॉलीवुड की, सो देयर आर डिफरेंट एक्टर्स हु हैव स्टारड इन मल्टीपल हॉलीवुड मूवीज. देयर आर सर्टेन बॉलीवुड एक्टर्स जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया. देयर आर पाकिस्तानी एक्टर्स, दे आर वर्किंग इन बॉलीवुड. तो सम हाउ और दी अदर ये एक अच्छी चीज़ है. बट बाहर से कॉन्टेंट लाना एंड विद दैट देयर आर सर्टेन ब्रांड एंडोर्समेंट एज वेल. अगर हम ब्रांड एंडोर्समेंट्स की तरफ आए, सो बिल बोर्ड्स हो गए या डिफरेंट एक लॉन का सीजन होता है, देयर आर क्लोदिंग ब्रांड्स अराउंड द वर्ल्ड, तो वो जो है एक सर्टेन ब्रांड एम्बेसडर अपने डेजिग्नेट करते हैं. तो रिसेंट पास में हमने देखा कि एक जो टर्किश ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट हुआ था, ना सिर्फ नेटफ्लिक्स पे बल्कि हमने देखा कि उसका जो लॉन्चिंग टाइम था वो रमज़ान था, विच इज़ क्वाइट काम काइंड ऑफ जो एक मंथ होता है इन पाकिस्तान, ना सिर्फ बल्कि सारी मुस्लिम कंट्रीज़ में. उस टाइम पे उस कंटेंट को रिलीज़ करना, उसने बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी गेन की. लेकिन अब बहुत सारे जो ब्रांड ओनर्स हैं वो इसरा बेल्जिक हो गई या इर्तुगरल अगर हम बात करें उसके जो मेन कैस्ट थी उसको अपने ब्रांड हेड्स ब्रांड एंडोर्समेंट देने की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को कैसे देखती हैं फातिमा? जी, मुझे आजकल वाकई उन्हीं का ही नाम है हर जगह उन दोनों का. हलीमा सुल्तान नाम है ना, इफ आई एम नॉट कैरेक्टर का जी. क्योंकि मैंने उसको
फॉलो नहीं किया। हाँ जी, उन्हीं के बारे में आजकल बात कर रहे थे, और बहुत से एक्टर्स इस बारे में बात जब करना शुरू हुए तो उनके ऊपर बैशिंग भी हुई है बहुत ज्यादा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। देखें जी, अगर बाहर से लोग आके यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ से पैसा लेके बाहर जाएंगे, तो हम लोग बेचारे क्या करेंगे, हम लोगों का कॉन्टेंट कौन देखेगा। यहाँ पे ड्रामे जो बन रहे हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, हमें भी थोड़ा सा मौका दें, हम काम करके दिखाएं। और मुझे लगता है कि हमें अपने एक्टर्स के ऊपर काम करना चाहिए, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, उसको सामने लेके आना चाहिए, ना कि आप बाहर से लोगों को लेकर आएं। फातिमा, रिसेंटली हमने देखा कि कुछ क्रिकेट फ्रेंचाइज ओनर्स कुछ क्रिकेट फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, वो अपनी नेक्स्ट क्रिकेट लीग के लिए इन लोगों को एज एम्बेसडर्स कंसिडर करना चाह रहे हैं, विच इज़ समथिंग लाइक, जिस तरह लोग इसको इस तरह भी डिफेंड करते हैं कि बाहर से क्रिकेटर्स भी तो आते हैं, एंड क्रिकेटर्स बाहर से अगर आएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो लोकल क्रिकेटर्स हैं उनका टैलेंट इफेक्ट होगा। ये वाली चीज़ आपको लगती है कि ये एक स्टेटमेंट सही है, या ये वैसे ही लोगों ने बनाई हुई है इस तरह की स्टेटमेंट जस्ट टू सपोर्ट देयर स्टांस या देयर ऑब्जेक्टिव? नहीं, मैंने आपको वही बोला ना, हमारी तो इंडस्ट्री पहले इतनी सी है, और अभी ये माया वगैरह ये लोग सारे कर रहे थे, अगर बाहर से लोग आके एम्बेसडर बन जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ये तो फिर ज्यादती है ना। जी, एंड मैंने रिसेंटली देखा दैट पेशावर ज़ल्मी द टीम ओनर अनाउंस कि वो इज़रा बेल्जिक को एज एम्बेसडर ले रहे हैं, एंड देन हमने देखा कि इज़रा बेल्जिक का जो लेटेस्ट ट्वीट था दैट आई हैव फाउंड समवन इन पाकिस्तान which is covered by the bloggers team as well. Bloggers are working their best to promote the actors. Recently, that actors have huge edge from the blogger side. So according to you, do you think that ye jo bloggers hote hain, ye ek integral part play kar rahe hain aajkal kisi bhi drama ko ya kisi bhi actor ki hype ko increase karne mein ya sudden girane mein? नहीं नहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हाथ है इनका, किसी को बनाने में और किसी को गिराने में। ओके, एंड यू हैव एक्सपीरियंस दिस अलॉट फातिमा योरसेल्फ, के जब ब्लॉगिंग्स होती हैं एंड फॉलोअर्स खास तौर से, एंड बैशिंग तो हर जगह होती है, एंड वी हैव सीन द नेगेटिव कमेंट्स एवरीवेयर, सो डज दीज नेगेटिव कमेंट्स अफेक्ट यू एज वेल, या आप कहती हैं हो गया तो हो गया, मैं नहीं, मुझे मैटर नहीं करता? नेगेटिव कमेंट्स को मैं इतना बॉदर नहीं करती, मैं इग्नोर पे लगाया हुआ, क्योंकि वो जो नेगेटिविटी अगर मुझ में ट्रांसफर होगी तो वो फिर मेरा काम और चीजें डिस्टर्ब होती हैं, तो मैं उसको इतना बॉदर नहीं करती। मुझे लगता है और लोगों को भी नहीं करना चाहिए, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी रखें तो ये ज्यादा अच्छा है आपके लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए और आपके लिए। एंड फातिमा, रिसेंटली आप एक्टर भी हैं एंड टेलीविजन होस्ट भी हैं, जो हमने देखा, व्हाट डू यू एंजॉय मोस्ट डूइंग? एक्टिंग ज्यादा है, क्योंकि एक्टिंग का स्पेल हमने देखा है कि वो ज्यादा होता है, उसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं एक एक्टर के वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अ टेलीविजन होस्ट या अ गेम शो होस्ट, सो व्हाट डू यू लाइक डूइंग? अच्छा, होस्ट तो मैं बाय चांस बन गई हूँ, मैंने ऐसे कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं होस्टिंग करूंगी, एक्सीडेंटल होस्ट से, लेकिन यू आर डूइंग दैट जॉब वेरी अमेजिंगली, लगता नहीं है। ना चाहती थी वो मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, आज मैं वो काम एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है इंडस्ट्री नहीं थी लाहौर में, और कराची जाने पे परमिशन नहीं मिलती थी कि कराची तो नहीं जा सकती अकेली लड़की काम करने के लिए, तो फिर हमें मजबूरन हमें मीडिया न्यूज ज्वाइन करना पड़ा, और मैं वहां पर न्यूज एंकर थी, 9 PM का बुलेटिन करती थी एक चैनल के साथ, और अब जब मुझे वो जगह मिली और मार्जिन मिला एक्टिंग करने का, तो मतलब मजा आता है, मैं जब काम करने जाती हूँ मैं एक्टिंग को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा, न्यूज़ एंकर मैं एक्टर बोल रहा था जो कि बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, न्यूज़ एंकर टर्न्ड एक्टर फातिमा, किसमें ज्यादा आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी होती है? रिस्पांसिबिलिटी न्यूज़ की साइड से, डू यू थिंक न्यूज़ का साइड ज्यादा इफेक्ट होता है, मतलब ज्यादा एक चीज इस तरह की है, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अटेंटिव? मुझे लगता है हमारे पास ज्यादा नॉलेज होता है और हमें पता होता है कि कैसे चीजों को लेके चलना है। ओके, ये मार्जिन मिलता है। एंड विद दैट, जब शूटिंग स्टार्ट हुई अभी दोबारा से, मेनी ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेज आर टेकिंग यू नो दीज एक्स्ट्रा केयर्स एंड SOPs इन माइंड व्हाइल स्टार्टिंग द शूट, इन फैक्ट रिज्यूमिंग द शूट, तो ये जो स्पेल था फातिमा, ये कितने महीनों का स्पेल था जिसपे बिल्कुल शूट नहीं हुआ था, दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड, एंड हाउ वॉज योर लाइफ इन दैट टाइम? आई थिंक ये मार्च में हुआ था लॉकडाउन, अप्रैल मई जून जुलाई, ऑलमोस्ट 3-4 माह, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है, जो यू नो स्पॉट बॉय होते हैं, जो रोजाना की बुनियाद जो डेली वेजेस पे बिल्कुल जो काम कर रहे हैं,
किया, डेली वेजेस जो होते हैं वो बहुत बुरे इफेक्ट हुए हैं, प्रोडक्शन हाउसेस बहुत बुरे इफेक्ट हुए हैं, काम नहीं है, हम लोग डिप्रेशन में ऑलमोस्ट जा चुके हैं, तो घर में बंद, ऊपर से काम नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें डिप्रेशन फेस किया इन सारे माह में। जब काम खुला है तो अभी भी वो ऐसा है कि उस तरीके से पहले वाली चीज़ नहीं है, पहले वाली चीज़ नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके अभी हो रहा है काम। एंड फातिमा, ड्यूज की अगर हम बात करें, एक बच्चा होता है सारे घर बैठ जाते हैं, शूट बंद हो जाता है, अभी भी ऐसा हो रहा है। अगर एक कोई पॉजिटिव केस क्रू में गॉड फॉरबिड अगर निकल आता है तो शूट्स भी रुक जाते हैं। जी जी। एंड फातिमा, विद दैट यू हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द डेली वेजेस वर्कर, कि उनका काम तो इफेक्ट होता ही है, एक्टर्स का काम भी इफेक्ट होता है, बट टॉकिंग अबाउट द ड्यूज, वी हैव रिसेंटली सीन दैट मेनी एक्टर्स केम फॉरवर्ड, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडस्ट्री से बल्कि फ्रॉम इंडिया एज वेल, जहाँ पे लोग अब डायरेक्ट एक्यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन हाउसेज को, डायरेक्ट एक्यूज कर रहे हैं टू द प्रोड्यूसर्स कि उनकी पेमेंट्स क्लियर नहीं हो रही। इज इट द सेम ओवर देयर एज वेल, या कंपैरेटिवली आपने देखा है कि यहाँ पे कम है ये वाली चीज़, जहाँ पे पेमेंट्स एक्टर्स को जी पूरी क्लियर हैं एंड एज सून एज द वर्क इज डन उनको मिल जाती हैं पेमेंट्स? मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो हाँ, लेट होती हैं पर मिल जाती हैं, लेट होती हैं पर मिल जाती हैं। ओके, एंड रीसेंट पास्ट में जो प्रोडक्शन हाउसेज के ऊपर इल्जामात हैं, सो डू यू थिंक दैट ये एक्टर जो हैं, क्योंकि उन प्रोडक्शन हाउसेज की तरफ से फिर लीगल नोटिसेस एक्टर्स को भी गए हैं, एंड रीसेंट पास्ट में आपने भी इंसिडेंट देखा होगा कि एक प्रोडक्शन हाउस को बताया गया कि उनके ऑलमोस्ट 5-1 crore और ऑलमोस्ट 90 lakh रुपीज़ जो है वो जो है उनके ऊपर रहते हैं। सो डू यू थिंक दीज इंसिडेंट्स आर समहाउ इफेक्टिंग द प्रोडक्शन हाउसेज, या वो अपने काम को उसी तरह कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल, बाकी प्रोडक्शन हाउसेस इफेक्ट करते हैं, बहुत बुरा इमेज आपका बनता है, बट वो जो आप बात कर रहे हैं उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है उनमें कुछ मेरे दोस्त भी हैं, तो ये बात सच है कि उनकी पेमेंट्स नहीं मिली हैं, उनको अभी तक नहीं मिली हैं, काफी अभी तक नहीं मिली हैं। एंड ये स्पेल की बात हो रही है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ कोरोना ये वाली चीज़ स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी तक जो है उनके स्पेल नहीं हुए, एंड सम ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सम ऑफ द डायरेक्टर्स, कोरोना का सीरियस था, उनको काफी साल हो गए उनकी पेमेंट क्लियर नहीं हुई। ओके, एंड कोरोना का स्पेल। फातिमा, स्क्रिप्ट्स के बारे में हम बात कर रहे थे, हम ब्रेक के बाद थोड़ा सा और उस पर बात करें, लेकिन जाने से पहले एक चीज़ जो मैं डेफिनेटली पूछना चाहूँगा अबाउट स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स राइट नाउ आर वेरी गुड, इनफैक्ट द राइटर्स आर डूइंग देयर जॉब वेरी अमेजिंगली, एंड उनके जो स्किल्स हैं वो जो हैं अप्रिशिएट किए जा रही हैं अराउंड द वर्ल्ड। तभी यूट्यूब पर जब कोई भी ड्रामे के एपिसोड चलते हैं उसके ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं ऑन वन ऑफ द एपिसोड्स। हाउ डू सी द वर्क ऑफ राइटर्स इन टूडेज वर्ल्ड, एंड ख़ासतौर से जब लोग इतने ज़्यादा जो हैं फोकस्ड हैं, लोगों को इतनी नॉलेज है, तो राइटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आजकल to produce quality content? बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट। इवन मुझे इंडिया से बहुत अच्छा फीडबैक आता है, इंडिया में लोग हमारे ड्रामे बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो हमारी स्क्रिप्ट्स अब माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग आ रही है, बहुत अच्छे राइटर हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से उन्होंने आम दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं वो रियलिटी वाली उठा के स्क्रिप्ट में डालना शुरू की हैं, तो वो चीज़ें अब और बेहतर हो रही हैं। डेफिनेटली, वी आर अपनी लाइफ को रिलेट कर पा रहे हैं। डेफिनेटली, ये वाली चीज़ आपने बहुत अच्छी की, इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे फातिमा। राइट नाउ वी आर मूविंग टू अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्क्रिप्ट्स आजकल जो चल रही हैं, एज फातिमा ने मेंशन किया दैट जो आजकल की स्क्रिप्ट्स हैं, पीपल कैन रिलेट टू दोज स्क्रिप्ट्स एज वेल, एंड वेन दे कैन रिलेट, सो जो उनका इंटरेस्ट होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। वी आर गोइंग टू रिलेट दिस विद आयुष्मान फिल्म दीज डेज, लेट्स टेक अ ब्रेक।